नमस्कार दोस्तों, आसमान से टूटा कुदरत का कहर। अब तक 205 लोगों की मौत हो चुकी है। केरल के वायनाड में हुए भूस्खलन के चलते मारे गए लोगों की संख्या बढ़कर 205 हो चुकी है। 30 जुलाई को मुडक्कई और चूरलमाला में जमीन खिसकने के कारण ये घटना घटी है, जिसके बाद से ही बचाव अभियान चलाया जा रहा है। वहीं केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने बुधवार को मीडिया से कहा कि बचाव अभियान तेज कर दिया है। अब तक 144 शव बरामद हुए हैं। 79 पुरुष, 64 महिलाओं के शव मिले हैं। 191 लोग अभी भी लापता हैं। मलबे में फंसे लोगों की सुरक्षा को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंताएं बढ़ रही हैं। सेना, NDRF, SDRF के जवान वायनाड में लोगों की जान बचाने की मुहिम में जुटे हैं। 2 दिनों में 1592 लोगों को बचाया है। आने वाले घंटे में और भी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाले जाने की उम्मीद है। भूस्खलन में फंसे 1386 लोगों को 7 शिविरों में पहुंचा दिया है। 201 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 91 का इलाज चल रहा है। 8017 लोगों को 82 शिविरों में पहुंचा दिया है। आदिवासी परिवारों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। सरकार प्रभावित लोगों को भोजन, आश्रय और चिकित्सा सहायता प्रदान कर रही है। वायनाड के 82 राहत शिविरों में 8017 लोग रह रहे हैं। इनमें 19 गर्भवती महिलाएं हैं। मेपाड़ी में 8 शिविर हैं। यहां 421 परिवारों के 1486 लोग रह रहे हैं। वायनाड में राहत और बचाव कार्य के लिए 1167 कर्मियों की तैनाती की गई है। आसपास के जिलों से अग्निशमन दल के 645 जवान बुला लिए हैं। NDRF के 94 जवान लोगों की जान बचा रहे हैं। DSC के 167, MEG के 153 कर्मी भी दोस्तों बचाव अभियान में जुटे हुए हैं। अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी ने वायनाड भूस्खलन पीड़ितों की मदद के लिए केरल के मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में 5 करोड़ रुपए का योगदान दिया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि वायनाड में हुई दुखद मौत से बहुत दुखी हूँ, मेरी संवेदनाएं प्रभावित परिवारों के साथ है। अडानी समूह इस कठिन समय में केरल के साथ एकजुटता से खड़ा है। हम केरल के मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में 5 करोड़ रुपए का योगदान देकर विनम्रता पूर्वक अपना समर्थन देते हैं। तो बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। इस समय दोस्तों केरल के वायनाड के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। अभी भी दोस्तों सैकड़ों लोग लापता बताए जा रहे हैं। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑप्शन चल रहा है। और बता दें कि यहाँ मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। बता दें कि मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए केरल में रेड अलर्ट जारी किया है। ताबड़तोड़ बारिश होने जा रही है। इसी बीच मौसम विभाग ने कहा है कि सभी लोग घरों के अंदर रहें, इस समय बाहर ना निकलें, नदी नालों से दूर रहें, रात के समय सावधान रहें। वर्तमान में आप हमारी वीडियो किस राज्य से देख रहे हैं और वहाँ का वर्तमान मौसम कैसा है कॉमेंट में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें।